अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम जा रहे हैं अगेन स्कूल ट्रिप के साथ। आप सुन सकते हैं काफ़ी शोर है बच्चों का यहाँ पे। हम लोग इस वक्त बस में हैं, तो इसके बाद आगे से हम ट्रेन लेंगे। तो अब हम यहाँ से ट्रेन लेंगे। तो स्टेशन से हम आ गए हैं बाहर, अब थोड़ी सी वॉक करते जाएंगे। तो हम पहुंच गए हैं जहाँ पे हमें पहुंचना था। ये आपको दिखाते हैं कितना खूबसूरत है ये। तो हम यहाँ पे पहुंच गए हैं सेंट पॉल्स कैथेड्रल। यहाँ पे हमने आना है। तो एक मज़े की बात बताऊँ, यहाँ पे 1981 में प्रिंस चार्ल्स एंड लेडी डायना, इनकी शादी भी यहीं पे हुई थी, इसी जगह पे इत्तेफाकन, ये मुझे अभी पता चला है। तो बाकी जो है ये मैं आपको अंदर जा कर दिखाती हूँ। तो बेसिकली ये एक चर्च है जो कि पूरी दुनिया में जो है फेमस में से एक है ये। तो इसका नाम जो है वो है सेंट पॉल्स कैथेड्रल, जो कि 1600 का है, काफ़ी पुराना है ये। और इसकी एक स्टोरी भी है। कुरिंग लेन एक बेकरी है जहाँ से आग उठी थी 2 सितंबर 1666 में। तो वो आग 5 दिन तक जो है लंदन में लगी रही, जिससे वो काफ़ी ज़रा फैल गई थी और वो यहाँ पे इस चर्च तक भी पहुँच गई थी, जिसको इसने जलाकर राख कर दिया था। जी बिल्कुल, मैं ये सेंट पॉल्स कैथेड्रल चर्च की बात कर रही हूँ। जी, तो हम पहुँच गए हैं यहाँ पे। हम अंदर चले गए। तो बेसिकली जो है बच्चों का स्कूल में आजकल ये टॉपिक चल रहा है द ग्रेट फायर ऑफ लंदन, जो कि मैंने आपको बताया यहाँ पे आग लगी थी 1666 में। तो उस टॉपिक के हवाले से ये आज यहाँ पे आए हैं और इनको आज जो है गाइड करेंगी। तो वो इनको कुछ इन्फॉर्मेशन्स भी देंगी, कुछ क्वेश्चंस करेंगी बच्चों के साथ, जो छोटी सी क्लास करेंगी। तो यहाँ पे आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं, नीचे सन लिखे हुए हैं। और अगर आप यहाँ पे विज़िट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप इसकी बुकिंग भी कर सकते हैं। इसकी प्राइस अराउंड जो है 20 पाउंड है, 20 या 21 पाउंड है इसका। तो आप यहाँ पे विज़िट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो ये आज हमें गाइड करने वाली है, कुछ इन्फॉर्मेशन्स देंगी, कुछ क्वेश्चंस करेंगी और इनके साथ जो है हमारा डे गुजरेगा आज का। तो अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हम पहले नीचे की तरफ आए थे। तो ये ऊपर आती है, आप देख सकते हैं। तो इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं ये है यहाँ का मिड और जो बाहर से दिखता है। तो ये इतना खूबसूरत लग रहा था, शायद कैमरे में ये वीडियो में इतना प्यारा नहीं कैप्चर हुआ है, लेकिन अगर आप इसको रियल में देखेंगे तो इतना खूबसूरत लग रहा था, ये इतना खूबसूरत लग रहा था। इतनी मतलब बारीकी से और इतनी खूबसूरती से हर चीज़ बनाई हुई थी कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई सीनरी देख रही हूँ, जैसे होता है ना, तो इस तरह से लग रहा था। बाकी ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टैचू भी हैं नीचे उनका, उन्होंने
थोड़ा सा रेफरेंस भी दिया हुआ है, उनके बारे में बताया हुआ है। तो लेकिन मुझे तो ये मिर्च जो था ना, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो ये बाकी आप ये भी देख सकते हैं। इतना टाइम नहीं था कि मैं सारा शूट कर सकूं, तो मैंने कोशिश की थी कि मैं जितना दिखा सकती हूँ आपको, आपको दिखा सकूँ अंदर से। तो यहाँ पे और भी लोग आए हुए थे, जाहिर सी बात है विज़िट के तौर पे, तो वो भी विज़िट कर रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी छोटी सी क्लास हो रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो अब हम यहाँ पे मिड में बैठेंगे, बिल्कुल इसके सेंटर में नीचे। तो यहाँ पे बिठाने के बाद बच्चों को थोड़ा सा गाइड किया जाएगा, तो हम लोग भी यहाँ पे बैठ जाएंगे चेयर्स पे। बच्चे ज़ाहिर सी बात है नीचे बैठेंगे, तो कुछ इन्फॉर्मेशन्स बच्चों को भी दी जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बच्चों का आजकल ये टॉपिक चल रहा है क्लासेस में, तो इसलिए बच्चों को इसी के हवाले से जो है वो इन्फॉर्मेशन्स वगैरह दे रहे हैं और पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। तो इसलिए बच्चों के लिए भी ये ज़रूरी है जानना कि असल इसकी कहानी क्या है और इसकी क्या हिस्ट्री है। और या सो अच्छा, आप ये देख सकते हैं मिड में मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं आपको क्लोज़अप करके दिखा सकूं, और काफ़ी दूर का व्यू भी मैंने लिया था। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये। तो अब हम आगे की तरफ चलेंगे। अच्छा, तो एक और बात, हम लोगों ने इस चर्च को विज़िट करने के बाद हम लोगों ने जाना था पुडिंग लेन। हमने उस बेकरी की तरफ भी जाना था देखने के लिए कि वो बेकरी कौन सी थी और कहाँ से आग उठी थी। लेकिन हमारी किस्मत इतनी ख़राब थी कि बारिश हो गई, और इतनी तेज़ बारिश थी, इतनी तेज़ बारिश थी कि हम लोग नहीं जा सकते थे जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि बारिश में भीगने के बाद हम लोग बीमार हो जाएंगे, तो बेहतर यही है कि हम लोग वापस चले जाते हैं। तो फिर हम लोग वहाँ से जो है वापसी की तरफ आ गए थे, लेकिन हमने ये देख लिया था तो ये भी काफ़ी है, ये बहुत ही खूबसूरत था। तो अच्छा, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये नीचे से भी सारा दिख रहा है, कितना प्यारा लग रहा था। और ये डोर देखिए आप, ये डोर कितना प्यारा है। और आपको मैं आगे दिखाती हूँ। अब ये जो जगह है यहाँ पे, इस पॉइंट पे यहाँ पर शादी हुई थी प्रिंस चार्ल्स एंड लैरी टैनर की, जो कि मैंने देखी है। तो वो यही जगह है जो कि आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। आप चाहें तो गूगल पे रिसर्च भी कर सकते हैं। तो आप देखें, ये जगह जो थी ये भी काफ़ी ख़ूबसूरत जगह है, और बहुत ही खूबसूरती से बनाई गई है, बहुत ही बारीकी से, और मुझे बहुत खूबसूरत लगी। ऐसे लगा जैसे मेरे सामने कोई सीनरी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ही खूबसूरत। या तो आप बस देखें इसको और देखते जाएं। और अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है, तो आप जाहिर सी बात है यूट्यूब पर और भी बहुत सी वीडियोज़ हैं इसके मतलब और इसके हिस्ट्री के मतलब, तो आप वहाँ से भी जो है देख सकते हैं, सुन सकते हैं, या फिर आप गूगल पे भी इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह है यहाँ पे, हर चीज़ कितनी प्यारी यहाँ पे बनाई हुई है, बहुत ही खूबसूरती से। Whale. Yeah. Yeah. Yeah.
यहाँ पे हम अब लंच करेंगे। तो यहाँ पे भी इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशंस दी हुई हैं जो कि द ग्रेट फायर ऑफ लंदन के बारे में है 1666 में। तो आप देख सकते हैं ये भी इन्होंने इस तरह से बना के कुछ पिक्चर्स वगैरह और इस तरह से कुछ छोटी छोटी हिस्ट्रीज लिखी हुई हैं। और ये जगह है जहाँ पे जितनी आग फैली थी, जो रेड जोन आप देख रहे हैं, इतनी ज़्यादा आग जो है फैल चुकी थी। तो अब हम लोग वापसी की तरफ जा ही रहे थे कि आप देख सकते हैं बहुत ही तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, जिस वजह से हम लोग घर की तरफ वापस चले गए थे। हम लोग फिर आगे फुरिंग लेन नहीं जा सके थे क्योंकि बारिश बहुत 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 तेज़ हो रही थी, जिस वजह से हम लोगों को स्कूल वापस जाना पड़ा था।